हेलो गाइस, व्हाट्स अप, दिस इज ब्रांड न्यू वीडियो ऑन माय चैनल गाइस। और आज हम बात करने वाले हैं यार कि 6x स्कोप की परफेक्ट सेंसिटिविटी आप कैसे बना सकते हो। मतलब कि आपके पास कोई भी डिवाइस हो, लो हो, हाई हो, मिड रेंज की डिवाइस हो, आपके पास कोई भी मोबाइल फ़ोन हो, आप परफेक्ट सेंसिटिविटी बना सकते हो। तो आपको बस वो मेथड जानना होता है कि जिससे आप अपने मोबाइल के हिसाब से परफेक्ट सेंसिटिविटी बना सकते हो, क्योंकि बहुत से प्लेयर मैक्सिमम कॉपी पेस्ट सेंसिटिविटी पर खेलते हैं, पर कॉपी पेस्ट सेंसिटिविटी पर खेलने से उनकी सेंसिटिविटी इतनी परफेक्ट नहीं होती, इतनी रिकॉइल कंट्रोलेबल नहीं होती। तो आपको भी अगर अपने हिसाब से अपनी परफेक्ट सेंसिटिविटी बनानी है तो आपको जस्ट वीडियो को एंड तक देखना होगा। एंड तक आप समझ जाओगे कि बड़े बड़े प्लेयर्स क्यों अपने हिसाब से सेंसिटिविटी बनाते हैं, तो आप भी बड़े प्लेयर बन जाओगे। तो वीडियो को मेक श्योर करें, लाइक कर दो, एक सब्सक्राइब बटन दबा देना और यार बेल आइकन दबा दो, क्योंकि नोटिफिकेशन की प्रॉब्लम आ रही है, मेरी वीडियो बहुत से लोगों तक नहीं पहुंच पाती है, तो आप नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर लो। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, किसी भी प्रकार की सेंसिटिविटी को फाइंड आउट करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी डिवाइस कौन सी सेंसिटिविटी को कैचअप कर सकती है। मतलब कि जो आपकी डिवाइस का मेटा है वो कौन सी सेंसिटिविटी को हैंडल कर सकता है। मतलब कि किसी प्लेयर में हाई सेंसिटिविटी वर्क करती है, किसी प्लेयर के मोबाइल में लो सेंसिटिविटी वर्क करती है। तो आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि बाद में आप कमेंट करते हो कि ये सेंसिटिविटी वर्क ही नहीं करती, मेरा रिकॉइल हो रहा है। तो दोस्त, पहले आपको रिकॉइल कंट्रोल करना भी आना चाहिए, तभी आपको अगर परफेक्ट सेंसिटिविटी मिलती है तो आप उसको जीरो रिकॉइल में कंट्रोल कर सकते हो। क्योंकि अगर आपको रिकॉइल कंट्रोल ही करना नहीं आता तो मैं आपको कोई भी सेंसिटिविटी दे दूं मेरे दोस्त, आप रिकॉइल कंट्रोल नहीं कर पाओगे। तो आइए सेंसिटिविटी के सेक्शन में। तो कैमरा की सेंसिटिविटी को आपको 1 पर करना है। देखिए, जब आप 1 पे कर दोगे तो आप कैमरा को मूव ही नहीं कर पाओगे, अपने एम को शिफ्ट ही नहीं कर पाओगे। तो आपको सिर्फ 10 के पोर्शन में आगे चलना है, पहले आपको 10 पे करना है सेंसिटिविटी को। 10 या 50 पे आप कर सकते हो। तो देखिए, मैंने 50 पे किया है, तो देखिए, तो मुझे अभी भी लग रहा है कि मेरा जो एम शिफ्ट है, जो मेरा स्कोप है, वो हेड टू हेड ट्रांसफ़र करने में थोड़ी सी वीकनेस ले रहा है, मतलब थोड़ा सा कम है सेंसिटिविटी। तो मैं इसको थोड़ा सा 5 और बढ़ा देता हूँ। तो मैंने 20 पे सेट किया है, तो अभी भी मुझे कुछ ऐसा फील हो रहा है कि मेरी सेंसिटिविटी थोड़ी सी कम है, क्योंकि मेरा जो एम है वो हेड टू हेड ट्रांसफ़र करने में थोड़ा सा देरी से हो रहा है। तो मैं सेंसिटिविटी को थोड़ा सा ज़्यादा करूँगा। तो ये देखिए, अब थोड़ी सेंसिटिविटी ज़्यादा हो चुकी है। आपको ऐसे ही अपनी सेंसिटिविटी का पता लगता है कि मेरी सेंसिटिविटी ज़्यादा है या कम है, आपको उसको बिल्कुल सेंटर पे लाना होता है। तो देखिए, मैंने थोड़ा सा कम किया है, तो अभी भी मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि थोड़ी सी और सेंसिटिविटी ज़्यादा काम में आ रही है, तो मैं इसको थोड़ा और कम कर देता हूँ। तो अब देखिए, मैं काफ़ी अच्छे से इसको कंट्रोल कर पा रहा हूँ, हेड टू हेड में मैक्सिमम इसको ले पा रहा हूँ। तो ऐसे ही आपको अपनी कैमरा की सेंसिटिविटी ढूंढनी होती है बिल्कुल परफेक्ट वे में, तभी आप मैक्सिमम किल आउट ले पाओगे और अपनी स्किल्स दिखा पाओगे। तो कैमरा की सेंसिटिविटी हमें मिल चुकी है, देखिए मैं परफेक्ट कैमरा को अपने हिसाब से हैंडल कर पा रहा हूँ, एम शिफ्टिंग हेड टू हेड मैक्सिमम हो पा रही है। तो ऐसे ही हम अब नेक्स्ट स्टेज पर चलते हैं, हम बनाएंगे ADS की सेंसिटिविटी। तो ADS की सेंसिटिविटी आपकी मेन रहती है, क्योंकि जो भी आप स्प्रे करते हो वो सारा कंट्रोल ADS की सेंसिटिविटी ही करती है। तो देखिए, अगर मैं इसको 1 पे करूँगा तो मेरा तो रिकॉइल ही कंट्रोल नहीं हो पाएगा। तो इसको बढ़ाते हैं, 10 पे मैं इसको लेके आता हूँ। तो ये देखिए, मेरा स्कोप ऊपर की तरफ उठ रहा है, मतलब कि सेंसिटिविटी कम है, थोड़ी सी इसको ज़्यादा करने की ज़रूरत है। तो देखिए, मैंने 20 पे कर दिया। तो देखिए, मैं अच्छा खासा कंट्रोल कर पा रहा हूँ, पर मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है कि सेंसिटिविटी थोड़ी सी कम है, मतलब कि जो मेरे को चाहिए बिल्कुल जीरो रिकॉइल वो नहीं हो पा रहा है। तो ये देखिए, मैं अभी भी कुछ अच्छा रिकॉइल कंट्रोल दे पा रहा हूँ। तो ऐसे ही आप अपनी परफेक्ट सेंसिटिविटी ढूंढ सकते हो यार, क्योंकि जब आपको पता लगेगा कि मेरी सेंसिटिविटी में क्या कमी है, तभी आप अपनी परफेक्ट सेंसिटिविटी बना सकते हो। तो ये देखिए, 24। तो ये देखिए, कितने अच्छे से मैं रिकॉइल कंट्रोल कर पा रहा हूँ, अच्छे से मैं अपना जो मैक्सिमम
जो मेरा एम है, जो मैं रिकॉइल कंट्रोल कर रहा हूँ, वो हेड टू हेड कनेक्ट रह रहा है। मतलब कि मैक्सिमम हेड शॉट लेने की मैं ट्राई करता हूँ अपने रिकॉइल कंट्रोल के साथ में, क्योंकि मैक्सिमम प्लेयर्स जो होते हैं वो हेड ही कनेक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि आपकी पहली बुलेट अगर हेड पे कनेक्ट हो गई तो आप इजीली नॉकआउट कर सकते हो। तो आपको भी यही प्रैक्टिस करनी होती है कि आप हेड टू हेड अपना एम रख पाओ। तो जब आप सेंसिटिविटी बना लेते हो उसके बाद थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लिया करो, उसको देख लिया करो कि आपका जो कैमरा प्लस एडीएस होगा तो वो दोनों मिक्सअप में कैसे काम कर रहे हैं। थोड़ी सी लॉन्ग रेंज की स्प्रे मार के देख लिया करो, तभी आपको आइडिया सा हो जाता है कि आपकी सेंसिटिविटी कितना वर्क कर रही है। जो आपने सेंसिटिविटी बनाई है वो आपकी डिवाइस के हिसाब से लॉन्ग रेंज पर भी अच्छे से काम कर रही है या नहीं कर रही। तो ये देखिए 400 मीटर की स्प्रे इजीली काउंटर कर सकता हूँ मैं। तो ऐसे ही आप भी काउंटर कर सकते हो यार, इसमें कोई बड़ी बात नहीं होती है। अगर आपका रिकॉइल कंट्रोल करने का पैटर्न जो है वो बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है, आप अच्छे से रिकॉइल कंट्रोल कर सकते हो, तो आपको सेंसिटिविटी से फ़र्क नहीं पड़ता, आप खुद अपनी सेंसिटिविटी बना सकते हो। तो मैंने अभी आपको स्टेप बाय स्टेप सेंसिटिविटी बना के दिखाई है कि कैसे आप स्टेप बाय स्टेप अपनी सेंसिटिविटी बना सकते हो। आपको जीरो से ही स्टार्ट करना होता है, क्योंकि सेंसिटिविटी बनाने के लिए आप कोई आइडिया नहीं ले सकते कि किसी और की सेंसिटिविटी उठा के आप लगाओगे तो आप सोचोगे मेरी सेंसिटिविटी कवर कर लेगी। नहीं, क्योंकि अलग अलग डिवाइस के हिसाब से अलग अलग सेंसिटिविटी वर्क में आती है। अब हम चलते हैं जायरोस्कोप की सेंसिटिविटी के ऊपर कि जायरोस्कोप प्लेयर्स कैसे अपनी सेंसिटिविटी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपको भी ऐसे ही 1% पे कर देना है पहले, और फिर आपको देखिए आप ना कैमरा रोटेशन कर सकते हो और ना ही स्प्रे को कंट्रोल कर पाओगे। ये देखिए आपका स्कोप ऊपर की तरफ ही जाएगा क्योंकि आपकी सेंसिटिविटी बिल्कुल जीरो पर है। तो आपको ऐसे ही इसमें आपको 100 के पैटर्न में अपनी सेंसिटिविटी को प्लस करना होगा। तो आप पहले 100 पे स्प्रे करके देखो। अब मैंने 100 पे सेंसिटिविटी को सेटअप कर दिया है, अब मैं स्प्रे करके देखता हूँ। ये देखिए मैं रिकॉइल कंट्रोल नहीं कर पा रहा क्योंकि मेरी सेंसिटिविटी कम है, मुझे इतनी सेंसिटिविटी पर आदत नहीं है। तो ऐसे ही मुझे सेंसिटिविटी को थोड़ा ज़्यादा करना होगा। तो अभी देखते हैं, अब मैंने 200 पे सेंसिटिविटी को सेट कर दिया है, अब मैं स्प्रे करके देखूंगा। तो ये देखिए मैं अच्छे से रिकॉइल कंट्रोल तो कर पा रहा हूँ, लेकिन मेरा स्कोप जो है वो ऊपर की डायरेक्शन में, अपवर्ड की डायरेक्शन में उठ रहा है। तो कुछ प्लेयर्स की ये दिक्कत रहती है। तो दोस्त आपकी सेंसिटिविटी थोड़ी कम होती है, उसको थोड़ा सा बढ़ाओ। तो मैंने 250 पर अपनी सेंसिटिविटी को कर दिया है, अब मैं स्प्रे करके देख रहा हूँ। तो ये देखिए सेंसिटिविटी हेड के अराउंड तो ख़त्म हो रही है, पर मुझे थोड़ा सा अभी भी ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा कम है। तो मैं 260 पर इसको खेलूँगा। तो अब देखते हैं। तो ये देखिए पूरी बुलेट्स हेड पे ही ख़त्म हो रही है। तो ये रहता है यार कि परफेक्ट सेंसिटिविटी आप कैसे ढूंढ सकते हो। आपको स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज करके अपनी सेंसिटिविटी फाइंड आउट करनी होती है। ये नहीं कि आपने किसी और प्लेयर्स की सेंसिटिविटी उठाई तब आपको पता नहीं लगता यार कि आपके हैंड के हिसाब से कौन सी सेंसिटिविटी परफेक्ट होने वाली है। क्योंकि आप अगर पहले से ही किसी और की सेंसिटिविटी को कॉपी पेस्ट करोगे तो आप अपने हैंड को उस सेंसिटिविटी के हिसाब से ढालने की कोशिश करोगे। लेकिन अगर आप खुद अपनी सेंसिटिविटी बनाते हो तो आपका हैंड पहले से ही आपको बता देगा कि मेरी सेंसिटिविटी मैं इतने पर खेल सकता हूँ। तो आपको ऐसी अपनी परफेक्ट सेंसिटिविटी बनानी होगी और तभी आप अच्छे से अपना रिकॉइल कंट्रोल कर पाओगे। तब आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा आप लॉन्ग रेंज की डिस्टेंस जितनी भी होगी, आपको कोई फ़र्क नहीं करता, आपको मैटर नहीं करेगा। 400 मीटर की स्प्रे भी आप आंखें बंद करके मार दोगे। तो अगर आप भी चाहते हो कि यार आपका अच्छा सा रिकॉइल कंट्रोल हो जाए, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप अपनी सेंसिटिविटी बनाओ, क्रिएट ऑन सेंसिटिविटी, किसी की कॉपी पेस्ट कभी मत खेलो। अपनी सेंसिटिविटी से आपको गलतियाँ भी पता लगती है, प्लस पॉइंट भी पता लगता है। तो आगे फ्यूचर में आपको कुछ चेंज अप कर रहा होता है तो आपको अपनी सेंसिटिविटी पर पता रहता है कि मैं इस सेंसिटिविटी पर अच्छे से खेल सकता हूँ, अच्छे से डिफेंड कर सकता हूँ। तो मुझे उम्मीद रहेगा यार आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो यार मेहनत लगती है वीडियो में, तो आप लाइक कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो और सब्सक्राइब बटन दबा दिया करो। तो मुझे उम्मीद रहेगी आप अच्छा सपोर्ट दोगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शाइनिंग ऑफ। I don't wanna break down, always feel like I could break now, but I never let it take me to that place now. I won't ever let my thoughts get away now. I got better things to do, picking fate now. I just wanna be the best, call me great now. I don't know if I'm okay.